समाजवादी पार्टी में किस पद पे हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी का नगर महासचिव हूँ। और अपने समाज में आपके जन्मदिन पे आप समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो अन्य उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी समाज को जोड़ने का काम कर रही है और हम लोग भी उसी सिस्टम पे आज घूम घूम कर अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने सभी बड़े भाइयों, बुजुर्गों, कार्यकर्ताओं और अपने क्षेत्रवासियों के पास मिलकर उनसे बधाई ले रहे हैं और उनको केक खिलाकर, लड्डू खिलाकर कर उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में 2022 में हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। इस बर्थडे के दिन भी हम लोग समाजवादी पार्टी में अपने साथ अपने लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं और सरकार बनाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जनता को जोड़ करके प्रयास करके उनके साथ अपने साथ अपनी विचारधारा में लाना होगा, उनको जोड़ करके अपने सरकार के साथ वोट में कन्वर्ट कराना होगा। ये हम लोग आज समाजवादी मैसेज दे रहे हैं। जैसे माननीय नेताजी के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग जागरूक थे समाजवादी पार्टी के लिए, वैसा इस टाइम में अखिलेश के दौर में नहीं दिख रहा, क्योंकि यादव समाज ज़्यादातर लोग इधर से उधर कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी आप पंचायती चुनाव में देख लीजिए आप किस तरीके से यादव इधर से उधर हुआ। वो तो गुंडई का चुनाव रहा, वो सत्ता का चुनाव होता है। कभी पहला आपने सुना है कि वोट डालने के लिए हेल्पर की आवश्यकता होती है? और अगर क्या एक 20 वोटर ना 20 में 15 हेल्पर वोट डालते हैं, एक साथ सबके हाथ टूट जाते हैं? सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करके डीएम और एसएसपी से चुनाव कराया है और सत्ता का दुरुपयोग करते हुए आम जनता और प्रतिनिधियों का अधिकार का हनन किया है और सत्ता के बूते उन्होंने जिला पंचायत के चुनाव कराए। तो आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी कितना संघर्ष कर सकती है सत्ता लाने के लिए? संघर्ष तो हम लोग कर रहे हैं और संघर्ष ईश्वर भी हमारे साथ है। जिस प्रकार से सरकार की जो महंगाई है, सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सब ध्वस्त हो गई है, सरकार इस पर कोई काबू नहीं कर पा रही है। आने वाले समय में जनता उनको बताए कि उन्होंने क्या किया, इस प्रकार से जनता से झूठ बोलकर वो सत्ता में आए थे और उन्होंने जनता के साथ खेल किया, उसी प्रकार अब की बार जनता भी उनके साथ खेल करने जा रही है और 2022 में उनकी सरकार गिरने जा रही है। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के।